सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम मैं कुसुम रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में और ब्लॉगिंग की शुरुआत लगभग पाँच बजे से हो रही है शाम के पाँच बजे से हो रही है और अभी ना मैं नौचलिया गाँव में हूँ तो हम भी नौचलिया गांव में ही रहते हैं तो ये दृश्य है नौचलिया गाँव का और घर के सामने कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं देख सकते हो और ये पिंक कलर का फूल ज्यादातर तो मेरे को बहुत पसंद है और इस तरफ के लिए ना ये है डी क्वार्टर डीएसटी मतलब जो सरकारी क्वार्टर है ना ये इस तरफ के लिए वो सरकारी क्वार्टर बने हुए हैं, और इस तरफ के लिए ये नोचेलिया गांव में घर बने हुए हैं, ये ये है इधर से पूरा नोचेलिया गांव, और ये दृश्य है नोचेलिया गांव का और बारिश इतना तेज आ रहा है कि ये सारे खेत यहाँ पे पानी से भरे हुए हैं और घर के आगे कितने ये प्यारे फूल लगे हुए हैं बहुत अच्छा लगता है ना देखने में इधर से मैं ये क्रॉस करके जाऊंगी ये सारा यहाँ से लेके इस तरफ के लिए भी एक घर बना हुआ है और इस तरफ के लिए भी ये और ये है इस तरह से ये नौचलिया गांव का दृश्य आप लोगों को दिखा रही हूँ और यहाँ पे एक छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी दो गाय भी बंधी हुई है जो की घास खा रही है पिरल बोलते हैं हमारे इधर पराल बोलते हैं उत्तराखंड में पराल खा रही हैं और यहाँ तो ये वाह डक भी है बहुत सारे डक भी दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों ये है नोचेलिया गांव का दृश्य इस तरफ भी देख लीजिए इस तरफ उस तरफ से लेके इस तरफ से ये पूरे सरकारी क्वार्टर है और ये यहाँ पे घर बना हुआ है और छत के ऊपर है डॉगी अभी मेरे को के ना ये भौंकेगा और यहाँ पे ये आंवला का पेड़ आंवला का पेड़ में बहुत सारे आंवले लगे हुए हैं और सामने ले जाने की कोशिश करती हूँ मैं इतने ज्यादा आंवले लगे हुए हैं ना पूरा पेड़ आंवलों से भरा हुआ है बहुत ज्यादा लगे हुए हैं सामने पे दिखाऊंगी आप लोगों को ये देख लीजिए बहुत ज्यादा आंवला और इस तरफ के लिए न ये है पूरा नौचेगा ये रास्ता दिया हुआ है इस तरफ से रोड से इस तरफ के लिए आने के लिए है फिर इस तरफ भी गाँव पड़ता है फिर यहाँ से ये लेके ये पूरा नौचलिया गांव का दृश्य है ये ब्यूटीफुल सा दृश्य है नौचलिया का और घर के सामने ना कितने बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगाए हुए हैं जो कि देखने में बहुत ही शानदार लगते हैं यहाँ पे तो ये नारियल के पेड़ में तो बहुत ज्यादा नारियल है आप लोगों को भी दिख रहे होंगे ना ये यहाँ पे बहुत ज्यादा ये नारियल लगे हुए हैं और इस तरफ के लिए निकलते हैं आगे की ओर और यहाँ पे कितना प्यारा ये फूल खिला हुआ है रेड कलर का और यहाँ पे ये व्हाइट कलर का तो यहाँ पे बच्चे भी बच्चे भी हैं यहाँ पे हेलो हाय तो देख लीजिए घर के सामने बकरी भी रखी हुई है बकरी आप लोगों ने पाल रखी है आगे अच्छा वहाँ पे भी ये आंवला के पेड़ लगा हुआ है और इसमें भी बहुत बड़े बड़े आंवले लगे हुए हैं और ये पौधे तो आप लोगों को आसाम के हर किसी के घर में देखने को मिलेंगे तो इस तरफ चलते हैं आगे लेके चलती हूँ आप लोगों को और यहाँ पे आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने से बच्चे हेलो हाय तो ये बच्चे आ रहे हैं साइकिलिंग करके कोई दौड़ के आ रहा है और यहाँ पे ना ये रबब अफ लगा हुआ है और बहुत ज्यादा इसमें ये रबब अफ लगाया लगाया हुआ है और आसाम में ना आपको अधिकतर मिले बहुत ही ज्यादा हर किसी के घर में आपको ये रबब तेंगा देखने को मिलेगा और ये तो थोड़ा छोटा वाला है इससे भी बड़ा बड़ा रबब तेंगा होता है और खाने में ना इसके अंदर से थोड़ा लाल जैसा होता है तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और घर के आगे इस प्रकार से ये फूल फूल के पौधे और नीम के पौधे हर चीज के पौधे यहाँ पे लगे होते हैं और इस तरह के लिए भी घर बने हुए हैं और आपको ना हर जगह जहाँ पे भी आसाम में आप आएंगे ना किसी के घर में देखने के लिए आओगे ना तो घर के आगे आप लोगों को आ, तामुल और आ, क्या बोलते हैं उसको पपीता का पेड़ हो नीम का पेड़ हो मतलब फल फ्रूट के जितने भी पेड़ होते हैं और फूल फूल जितने भी प्रकार के फूल होंगे आपको इनके घर के आगे देखने को मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे ये घर बना हुआ है और उसके आगे देख सकते हो आप लोग किस प्रकार से आंवला का पेड़ लदगद हो रखा है बहुत सारे आंवले यहाँ पे आए हुए हैं और इस तरफ के लिए कितना प्यारा दृश्य है ना तो नोचिले गाँव का इतना भव्य दृश्य आप लोगों को दिखाया और यहाँ पे किस प्रकार से तामुल के पेड़ कितने लंबे हो चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने लाइन बाई लगा रखे हैं तो देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है हेलो कहाँ जा रहे हो आप लोग बाजार संडे संडे मार्केट हाँ। अच्छा ब्लॉग ब्लॉग तो ये लोग बच्चियाँ जा रही हैं संडे मार्केट तो और आगे निकलते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा आसाम में मतलब चाहे आप जिस भी गली में जाओ जिस भी घर में जाओ जिस भी गांव में जाओ मतलब देखने का दृश्य एकदम मनमोहक दृश्य होता है शानदार दृश्य होता है और गांव में आके ना मन खुश हो जाता है और जो दिख रहे है ना तामुल के पेड़ देख सकते किस प्रकार से आसमान को छू रहे हैं, ये वाला तो बहुत ही बड़ा हुआ है ये इसमें तो तामुल भी आए हुए हैं और अभी मैं वापस आ चुकी हूं और बच्चे भी पीछे से आ रहे हैं दौड़ दौड़ के का का है? कुसुम रावत आसाम ब्लॉग सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है कर देना है इधर आओ इधर आओ क्या नाम बोला मैंने कुसुम रावत हाँ मारो सर्च मारो यूट्यूब पे आप भी कर देना हाँ याद नहीं रहेगा मारो के यू अभी बच्चा यहाँ पे आया हुआ है और बोल रहा है कि आपके चैनल का नाम क्या है तो मैं बोल रही हूँ कि कुसुम रावत आसाम ब्लॉग जिसको नहीं पता है कुसुम रावत आसाम ब्लॉग ब्लॉग को प्लीज सर्च मारें और सब्सक्राइब करें ताकि आसाम की खूबसूरत दृश्य में आप लोगों को दिखा पाऊँ तो ये देख लीजिएगा बच्चे यहाँ पे सर्च मार के मेरा चैनल को निकाल रहे हैं और थोड़ा क्लिक कर दो फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो आ, कर ये तभी तो आपके पास आएगा ना कल आएगा ये ब्लॉग नहीं शाम को आएगा रात को गुड तो शाम को आने वाला है ये ब्लॉग सात बजे आउट करूंगी मैं इस ब्लॉग को ठीक है आपका नाम अभी बताया था ना आ, मेरा हाँ, मेरा नाम भार्गव बोरा भार्गव बोरा और यहाँ पे भी ये बच्चा कोई साइकिलिंग कर रहा है और कौन कौन से के स्कूल में पढ़ते हो आप लोग मैं का। और आप और असम राइफल कौन सी क्लास में सिक्स अनुराग को जानते हो हाँ। अनुराग रावत हाँ। तो मैं उसका मम्मी हूँ हाँ। हाँ। <laughs> तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना किया हुआ।, किया हुआ है है ओ थैंक यू तो चलो फिर मिलेंगे हम ठीक आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए और मिलती हूँ मैं ऐसी वीडियो के साथ बाय बाय